हेलो किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमडी एग्रो किसान यूट्यूब चैनल पर। अफीम में चिरा प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त अधिकतर किसान भाइयों के चिरा चल रहा होगा या जिनके नहीं चल रहा होगा वो भी तैयारी में है या शुरू करने वाले हैं। तो इस वक्त जो सबसे अहम है वो है सफ़ेद मस्सी। सफ़ेद मस्सी का नियंत्रण इस वक्त बहुत आवश्यक है। आप अपनी अफीम का निरीक्षण करते रहें और उसके पत्तों पर या टोड़ों पर आप उसका निरीक्षण करते रहें। देखें अगर डोड़े दब रहे हैं या कड़क नहीं हो रहे हैं और पत्तों पर भी अगर सफ़ेद पाउडर टाइप आपको नज़र आ रहा है तो ये सफ़ेद मस्सी के लक्षण हो सकते हैं। तो सफ़ेद मस्सी उत्पन्न कैसे होती है? क्योंकि ये इसके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और एक फसल से दूसरी फसल पर आ जाते हैं। अभी इस वक्त बहुत सी फसलें कट रही हैं। इस वक्त राइडा, मेथी, लहसुन वगैरह बहुत सी फसलें इस वक्त कट रही हैं, तो उनके बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं और अफीम में या दूसरी फसलों में आ सकते हैं। तो इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इनका नियंत्रण कैसे करें, तो मैं आपको आज तीन दवाएं सुझाऊंगा जो मैंने ये यूज़ की हुई है। मैंने उनका उपयोग किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। तो मैंने एक क्राइटेरिया रखा है कि ये तीनों दवाइयाँ अच्छा रिज़ल्ट देती है और लगभग इनका रिज़ल्ट टाइम 8 से 15 दिनों तक है। तो मैंने पहले नंबर पर जो दवाई रखी है वो है बायर कंपनी की, जो बायर लूना एक्सपीरियंस के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है। तो आप चीरे के बीच में अगर आपके दूसरी या तीसरी चीरे भी चल रही है तो आप अगर आपको कुछ लगता है कि दौड़े कड़क नहीं हो रहे हैं या आपको लगता है कि सफ़ेद मस्सी के कुछ लक्षण हैं तो आप चीरे के बीच में स्प्रे कर सकते हैं, इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो आप बायर एक्सपीरियंस लूना को 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। और मैंने दूसरे नंबर पे जो दवाई रखी है वो है अदामा कंपनी की, जो निमरोड के नाम से आती है। ये दवा भी सफ़ेद मस्सी पर, पाउडर इम्यूनिटी पर बहुत ज़ोरदार काम करती है। तो आप 15 लीटर की टंकी में इसको आपको 20 ml लेना है। और मैंने जो तीसरे नंबर पर जो दवाई रखी है वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बहुत सी कंपनियां बनाती है, जैसे उड़ान प्लस है या एक्सेल की आप हेक्सोल ले सकते हैं, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, जो अलग अलग कंपनियों में हेक्साकोनाजोल के नाम से आती है। आप इसे 25 से 30 ml 15 लीटर की टंकी में डालकर अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी भी दवा का आप छिड़काव कीजिए, बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक, शेयर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।